तो दोस्तों, अगर आप Realme का डिवाइस यूज़ करते हैं और आपको Realme UI 5.0 अपने डिवाइस में देखने को मिल गया है, तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे टॉप फीचर्स के बारे में जो मैं बात करने वाला हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाते हैं ये फीचर्स जब भी आप अपने डिवाइस को यूज़ करते हैं और यहाँ पे Android 14 को यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे टॉप फीचर्स है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपको पता है कि यहाँ पे Realme UI 5.0 में कई सारे ऐसे फीचर्स में भी इंक्लूड किए गए हैं जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस फीचर्स हैं और कहीं ना कहीं आज के टाइम में उन फीचर्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, मैं बात करने वाला हूँ इन्हीं फीचर्स के बारे में। और अगर आप इस चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको फॉलो कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि मे बी आप यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में, तो आपको कुछ ना कुछ नए बेनिफिट्स जो है यहाँ पे देखने को ज़रूर से मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे Realme UI 5.0 का अपडेट मिल गया है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट, अगर आपको यहाँ पे अपने फ़ोन से किसी भी QR कोड को स्कैन करना है, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल में आपको डायरेक्ट यहाँ पे QR कोड स्कैनर का एक ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। आप चाहें तो क्लिक करके इसको डायरेक्ट यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ यहाँ पे शो नहीं कर रही है, तो आपको क्या करना होगा, नोटिफिकेशन पैनल नीचे करना है, 3 डॉट पे टैप करना है, और उसके बाद आपको एडिट टाइटल्स पे टैप करना है, नीचे से मोर फंक्शन में जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। और जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट सिंगल क्लिक में आपको QR कोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप सिंगल क्लिक में यहाँ पे करके क्लिक करके जो है ये डायरेक्ट आपका ये जो बार कोड है ये ओपन हो जाएगा, यहीं से आप डायरेक्ट जो है स्कैन कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर इंक्लूड किया गया है इस डिवाइस में। एंड दोस्तों, बात करें नेक्स्ट फीचर के बारे में, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट फीचर है वो फ़ोन को स्विच ऑफ करने से लेकर है। मतलब जब भी आप अपने फ़ोन को ऑफ करते हैं, तो आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी पासवर्ड रिक्वायर्ड नहीं मांगता है। अब यहाँ पे जो नया अपडेट प्रोवाइड करवाया गया है, इसमें कई सारे यूजर्स को एक फीचर मिला है, जब आप अपने फ़ोन को ऑफ करेंगे तो यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन जो है मांगने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड का ऑप्शन मांगने वाला है। इस फीचर को एक्टिव करने के लिए आपको नोटिफिकेशन पैनल नीचे करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का एक ऑप्शन मिलता है, इस पर सिंपल टैप करना है। उसके बाद आपको सेटिंग को ओपन करना है, सेटिंग को ओपन करने के बाद स्क्रॉल करना है, उसके बाद आपको मोर सेटिंग वाले ऑप्शन पे जो एक सिंपल टैप करना है। जैसे आप मोर सेटिंग वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको रिक्वायर्ड टू पासवर्ड ऑफ, इस पर क्लिक करना है और इस फीचर को यहाँ पे सिंपल इनेबल कर देना है। जैसे आप इस फीचर को इनेबल करेंगे, उसके बाद जब आप अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करेंगे या फिर पावर ऑफ करेंगे, तो आपसे यहाँ पे पासवर्ड को जो है मांगने वाला है। और जब तक ये पासवर्ड यहाँ पे नहीं जो है डाला जाएगा लॉक स्क्रीन का, तब तक आपका डिवाइस ऑफ नहीं होने वाला है। तो ये सेफ्टी पर्पज़ से काफ़ी अच्छा फीचर जो है दिया गया है, जो कि कई सारे यूजर्स को मिल गया होगा और कई सारे यूजर्स यूज़ भी कर रहे होंगे। दोस्तों, बात करें नेक्स्ट फीचर के बारे में, तो यहाँ पे अगर आप कोई भी वीडियो प्ले करते हैं, तो अब यहाँ पे आपको आपके डिवाइस में कई सारे यूजर्स को यहाँ पे जो है बैकग्राउंड स्ट्रीम का एक ऑप्शन मिल गया है। इस फीचर को एक्टिव करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे अपना प्लेयर ओपन करना है, देन आपको अपनी वीडियो ओपन करनी है। जैसे आप अपनी वीडियो को ओपन करेंगे, वीडियो को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको स्मार्ट साइड बार को एक्टिव करना है। जैसे ही आप स्मार्ट साइड बार को एक्टिव करेंगे, बैकग्राउंड स्ट्रीम का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपल इस पर टैप करना है। जस्ट जैसे ही आप टैप करेंगे, तो आपकी वीडियो जो है बैकग्राउंड में प्ले होनी लग जाएगी। अभी जैसे हम आवाज करेंगे, देखिए वीडियो हमारी चल रही है बैकग्राउंड में। अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, तो आज के इस तो आपने ये देख लिया होगा कि यहाँ पे जो आपकी वीडियो है ये बैकग्राउंड में प्ले कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये काफी अच्छा फीचर जो है दिया गया है, जो कि आपके बैकग्राउंड में ये फीचर जो है ऐड हो सकता है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड स्ट्रीम का ये फीचर जो है आप यूज़ कर सकते हैं, और जितने भी वीडियो आप प्ले करते हैं, ठीक है, सारी वीडियो पे ये फीचर वर्क करने वाला है, काफ़ी अच्छे से ये वर्क होने वाला है। तो बैकग्राउंड स्ट्रीम को भी आप एक्टिव कर सकते हैं इस फीचर को। एंड दोस्तों, बात करें यहाँ पे नेक्स्ट फीचर के बारे में, तो अगर आप अपने डिवाइस को यहाँ पे जब भी चार्जिंग से कनेक्ट करते हैं, तो आपके मन में एक जरूर से डाउट रहता होगा कि हमारा डिवाइस ओवर चार्ज ना हो जाए। इसके लिए यहाँ पे आप Realme UI 5.0 में एक फीचर यहाँ पे ऐड हो गया है, जो कि स्पीड लिमिट का है। अब यहाँ पे आप अपने डिवाइस की स्पीड को जो है यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक आप टारगेट सेट कर देंगे, तो उस टारगेट के बाद आपका डिवाइस जो है चार्ज नहीं होने वाला है, ऑटो कट ऑफ हो जाएगा। तो इस फीचर को एक्टिव करने के लिए आपको अपने डिवाइस की सबसे पहले आपको सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में
जाने के बाद आपको बैटरी वाले ऑप्शन में जाना है। बैटरी वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको बैटरी हेल्थ वाले ऑप्शन पे जाना है। आप जैसे ही आप जाएंगे तो नीचे की साइड में स्टॉप एट 80% का एक ऑप्शन मिलता है, इसको सिंपल इनेबल कर देना है। जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो जब भी आपका डिवाइस जो है 80% चार्ज होगा, 80% जैसे ही चार्ज होगा, ऑटोमेटिक आपका डिवाइस जो है यहाँ पे अनप्लग हो जाएगा जो है चार्जर से। ठीक है, ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे चार्जिंग जो है इसकी बंद हो जाएगी। तो ये उस सिचुएशन के लिए बढ़िया होती है जब आप अपने डिवाइस को लगा के आपको लंबे समय तक के लिए कहीं जाना होता है, तो उस सिचुएशन में अगर आप यहाँ पे इस फीचर को इंगेज कर देते हैं तो जैसे ही 80% कंप्लीट होता है तो आपका डिवाइस ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑफ हो जाएगा, मतलब यहाँ पे चार्ज नहीं होने वाला है। तो ये ओवर चार्जिंग को अवॉइड करने वाला है। ठीक है, तो आप चाहें तो इस फीचर को भी जो है यूज कर सकते हैं, जो कि मे बी काफ़ी बढ़िया यहाँ पे जो है अपडेट है। इस अपडेट में ये फीचर काफी बढ़िया यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों, यहाँ पे जब भी आप अपने डिवाइस को लॉक करके अपने पॉकेट में रख लेते हैं तो ऐसे में कभी कभी ऐसा सिचुएशन बनता है कि ऑटोमेटिक आपका डिवाइस वर्क करने लगता है, एंड ऐसे में कॉल वगैरह जो है कनेक्ट हो जाता है कहीं पे, या फिर टच ऑटोमेटिक काम करने लगता है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एक फीचर यहाँ पे दिया गया है जो कि आपके ही फ़ोन में दिया गया है, जिसमें जो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी होती है ना उसको यहाँ पे ये क्लोज करेगा, सारी एक्टिविटी को बंद करेगा। तो ये एक फीचर यहाँ पे ऐड किया गया है। इस फीचर को एक्टिव करने के लिए आपको अपने डिवाइस की सेटिंग में चले जाना है, उसके बाद आपको होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में जाना है। जैसे ही आप होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में जाएंगे तो नीचे आपको मिल जाता है पॉकेट मिसटच प्रिवेंशन का एक फीचर मिलता है। इस फीचर को आपको एक्टिव कर लेना है। जब आप इस फीचर को एक्टिव करेंगे और अपने फ़ोन को अपने जो है यहाँ पे जेब में रखेंगे तो मिस टच नहीं होगा। जो भी यहाँ पे अगर होता भी है बाय द वे किसी भी रीज़न से, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो ऑटोमेटिक वो लॉक हो जाएगा, वहाँ पे कोई और सर्विस नहीं चलने वाली है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि Realme UI 5.0 में देखने को मिल जाता है। और ओवरऑल यहाँ पे कई सारे यूजर्स को ये फीचर्स कुछ इससे डाउनग्रेडेड वर्जन में भी देखने को मिलते हैं, बट लगभग यहाँ पे 5.0 में भी कई सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं। एंड दोस्तों, बात करें नेक्स्ट फीचर के बारे में, अगर आप यहाँ पे कोई ब्राउज़र यूज़ करते हैं और उस ब्राउज़र में आपको कोई भी लिंक अगर सेव करना होता है या कोई वेबसाइट वगैरह सेव करनी होती है, तो अब एक यहाँ पे फीचर मिल गया है आपको इसी स्मार्ट साइड में, जो कि फाइल डॉक्स के नाम से। यहाँ पे आप कोई भी जो है आप जो है चाहे तो यहाँ पे कोई लिंक सेव कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अगर ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उस ब्राउज़र से आपको कोई भी वेबसाइट का आर्टिकल पसंद आता है, या फिर कह सकते हैं कि कोई वेबसाइट पसंद आती है, तो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सीधा आपको फाइल डॉक में, जैसे आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप डायरेक्ट जो है फाइल डॉक में उस फाइल को जो है सेव कर सकते हैं। तो ये चीज़ बढ़िया है कि डायरेक्ट आप जो है यहाँ पे किसी भी ब्राउजर से उसको डायरेक्ट जब आप सेव करेंगे तो इस तरीके की लिस्ट में शो हो जाएगा और इस तरीके से ये चीज़ सेव हो जाएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया फीचर है, जैसे कि जो है कई सारे जो है वेबसाइट्स वगैरह के लिंक वगैरह या फिर किसी भी प्रोडक्ट के लिंक वगैरह अगर आप सेव करने हैं तो उस चीज़ के लिए काफ़ी बढ़िया बेनिफिट ये प्रोवाइड करवाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे टॉप फीचर्स थे जो कि मैंने इस वीडियो के थ्रू डिस्कस किए। कहीं कहीं ये काफी ज्यादा हेल्पेबल फीचर रहने वाले हैं Realme UI 5.0 में। वेल, आप बताइएगा आपको इन सभी फीचर्स में से कौन सा फीचर बेस्ट लगा है Realme UI 5.0 में। जो लगभग यहाँ पर टॉप फीचर्स थे वो मैंने लगभग अपने अकॉर्डिंग जो है डिस्कस किए हैं। आप जरूर से कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन शेयर कीजिएगा। तो होपली ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।